छातापुर में धान अधिप्राप्ति के लिए क्रय केंद्र का हुआ शुभारंभ। छातापुर सुपौल सोन कुमार भगत छातापुर सदर पैक्स आज किसानों से धान अधिप्राप्ति के लिए क्रय केंद्र का शुभारंभ किया, जिसका उद्घाटन पैक्स अध्यक्ष गौरी शंकर भगत तथा प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी अरुण कुमार ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। छातापुर सदर पंचायत वार्ड संख्या 5 के शर्मा टोले में स्थित क्रय केंद्र चालू किया गया है। मौके पर पैक्स अध्यक्ष गौरी शंकर भगत एवं बीसीओ अरुण कुमार के द्वारा कई किसानों को माला पहनाकर सम्मानित किया गया। श्रवण कुमार सिंह की खास रिपोर्ट। कर केंद्र का जो उद्घाटन हुआ है धान खरीद का, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? छातापुर प्रखंड अंतर्गत जिला टास्क फोर्स के द्वारा 20 पैक्स और एक व्यापार मंडल का चयन किया गया है, जिसमें अभी तक छातापुर प्रखंड में हमारा 14 पैक्स एक्टिव हो गया है। शेष प्रक्रियाधीन है, 1 से 2 दिनों के अंदर में सभी पैक्स को एक्टिव कर लिया जाएगा। आज खरीद भी हुई है यहाँ? जी खरीद हुई है। कितना? 2 किसानों से खरीद किया गया है और आज प्रारंभ हुआ है। 432 क्विंटल का एक लॉट होता है और निर्धारित समय सीमा के अंदर में, मतलब जो भी किसान आएंगे सबको जो है सबका धान ले लिया जाएगा। और भी कोई दिशा निर्देश देना चाहेंगे किसान को? किसान के लिए यही दिशा निर्देश है कि मार्केट में ना बेचे, मार्केट में बिचौलियों के हाथ से धान ना बेचे। सरकार का ये महत्वपूर्ण योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है और अच्छा खासा रेट दिया जाता है सरकार के द्वारा पैक्स के माध्यम से। 1940 रुपया पर क्विंटल प्लस 25 रुपया गर्मी पैक का, 1965 रुपया एक क्विंटल धान का दिया जाता है किसान को। वही किसान यदि मार्केट में धान बेचेंगे तो उनको 1.25 रेट में बेचना पड़ेगा, 1200 से 1300 मतलब क्विंटल में बेचना पड़ेगा। तो मैं यही आपके माध्यम से किसानों को बताना चाहूँगा कि जब भी धान बेचें अपने संबंधित पैक्स में बेचें, और ऐसा अब कोई मतलब बाध्यता भी नहीं है कि आदमी दूसरे पंचायत के हैं तो वो किसी पैक्स में नहीं बेच सकते। मतलब यदि वो व्यक्ति छातापुर पंचायत के हैं और वो चाहेंगे कि नहीं हम गिवाह में बेचें, बेचारिया में बेचें, तो वो बेच सकते हैं, ऐसा कोई पाबंद नहीं है। और आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ अरुण कुमार, मैं प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी छातापुर हूँ।